प्रणाम। हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधूरा हूँ सबके बिन। वेलकम टू सत्या बायोलॉजी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या बायोलॉजी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है एक्सरे। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर का ट्रेलर अब हाल ही में रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं। जैसे इस पिक्चर का नाम एक्सरे रखा है और इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं राहुल शर्मा, जो इस पिक्चर में हीरो है, और हीरोइन के रोल कर रहे हैं याशी कपूर। जी हाँ दोस्तों, याशी कपूर इस पिक्चर में हीरोइन का रोल कर रहे हैं। दरअसल इस पिक्चर का नाम एक्सरे क्यों रखा है? दरअसल एक्सरे होता क्या है? एक्सरे का मतलब द इमेज, जो अंदर की इमेज एकदम क्लियर कट दिखाता है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक्सरे लेता है ताकि वो देखना चाहता है कि अंदर के शरीर में क्या खामी है, और अगर हमारी हड्डी का एक्सरे लेना चाहता है तो हमारे हाथ या पाँव का एक्सरे लेता है, उसको पता चल जाता है कि एक्सरे में कहीं किसी भी तरह का ब्रेकेज तो ना हो, कहीं क्रैक ना हो, इस तरह इमेज, अंदर का इमेज एकदम क्लियर दिखाता है, इसलिए इसे एक्सरे कहते हैं। उसी तरह इस पिक्चर में दरअसल शुरुआत में एक ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है रात को अंधेरी रात को अकेली पड़ जाती है, उसका गाड़ी खराब हो जाता है और एक घर में जाके खटखटाती है, और वहां पर एक जवान जो बंदा जो होता है, जो हीरो जो है, वो दरवाजा खोलता है और उसे उन्हें रहने के लिए, एक रात को रहने के लिए कमरा देता है। तो काफी खुशनसीब समझती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है। पर आगे अचानक पूरा सीन ही बदल जाता है, जिसमें जो हीरो जो है हीरोइन के पीछे पड़ जाता है ताकि वो एकदम साइको की तरह होता है और उसकी इज्जत लूटना चाहता है, और इसी तरह चलता रहता है और हीरोइन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। ट्रेलर से शुरुआत से लेकर एंड तक शायद डायरेक्टर जो है इस पिक्चर के ट्रेलर में, इस पिक्चर में ये कहना चाहते हैं कि लड़की को हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए हर हाल में, हर मुकाम पे। किसी भी अजनबी के घर जाते वक्त या किसी भी अजनबी से मिलते वक्त सोच समझ के हमें रहना चाहिए ताकि हमारी हिफाजत हमें खुद की करनी चाहिए। इसी तरह इस ट्रेलर में चलता रहता है, हीरो से बचाने, खुद को बचाने के लिए हीरोइन पूरी कोशिश करती है, और हीरो जो है थोड़ा साइको की तरह होता है और उसी तरह ही व्यवहार करता है वो हीरोइन से। बस इसी तरह चलता है और हीरोइन आखिरी तक खुद को बचाने में लगी रहती है, और ट्रेलर के एंड में इस तरह दिखाया जाता है कि आखिरी में हीरोइन हीरो के हाथ फंस जाती है, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती तो है, लड़ती तो है। इसी तरह दिखाया जाता है इस पिक्चर के ट्रेलर में। अभी ये पिक्चर दिसंबर महीने 6 तारीख को रिलीज होने वाली है। देखते हैं किस तरह ये पिक्चर चलेगी थिएटर में और बॉक्स ऑफिस में अपना नाम कमा पाएगी और पैसे भी अच्छी तरह जमा पाएगी। देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कि पिक्चर के ट्रेलर या मूवी का रिव्यू करूंगा तो अपडेट मैं से आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने परिवार जनों का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।